उत्तर प्रदेश के नीमच से जहां पर महाशिवरात्रि के महापर्व पर हो रही है शिवालयों पर भक्ति। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर नीमच जिले के नगर एवं आसपास के ग्रामीण इलाकों में आज पूरी आस्था व श्रद्धा के साथ जन सैलाब उमड़ा। हर शिवालयों पर प्रातः से ही रुद्राभिषेक के साथ लंबी कतारों से महिला पुरुष देखे गए। कुकड़ेश्वर के अति प्राचीन व साथ ही साथ विश्व के चुनिंदा शिवलिंग में से एक यह सहस्त्र मुखेश्वर महादेव मंदिर पर प्रातः 4 बजे से ही अभिषेक करने वालों का तांता लगा रहा। लंबी कतारों में अभिषेक का दौर जारी है। देखें पूरी खबर IBN 24 न्यूज पर। ये कुकड़ेश्वर में ये दिनांक आज मतलब आज तारीख 21 से लेके और 1 तारीख 10 दिन तक शायद मुखेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में ये शिवरात्रि के उपलक्ष्य में मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि आसपास के गांवों से काफ़ी संख्या में जो ग्रामीण लोग हैं वो आते हैं, ठीक है ना। और इसका मेले कार्यक्रम के दौरान विभिन्न कार्यक्रम होते हैं 10 दिन तक। इसमें भी तेजा जी की कथा, भजन संध्या, राजस्थानी कार्यक्रम, स्थानीय कार्यक्रम होते हैं और बड़े उत्साह उल्लास के साथ मनाया जाता है। पुलिस के द्वारा इसमें व्यवस्था लगाई जाती और हमारे द्वारा जो भी इंतजाम हैं वो सब किए जाते हैं। महाशिवरात्रि पर्व की पूरे नगर एवं नगर के आसपास की जनता को हार्दिक बधाई। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नगर कुकड़ेश्वर में नगर परिषद द्वारा 10 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है, जो आज भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के पश्चात माननीय तहसीलदार जो हमारे प्रशासक है नायब तहसीलदार और नगर परिषद के समस्त कर्मचारियों के साथ मेले का अभिषेक के साथ शुभारंभ किया गया। मेले में प्रतिवर्षानुसार स्टाल, झूले, जकरी इत्यादि आते हैं, लेकिन इस वर्ष तालाब में पानी की मात्रा अधिकता होने की वजह से थोड़ा मेला कंजस्टेड है। फिर भी उसके बाद में भी मेले में अच्छी व्यवस्था रखी गई नगर परिषद द्वारा और मेले में अच्छी रौनक भी है। मैं नगर एवं नगर के आसपास के समस्त धर्म प्रेमी जनता से आग्रह करता हूँ कि इस 10 दिवसीय मेले में पधारकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन लाभ लेवे और धार्मिक एवं व्यापारिक मेले को अधिक से अधिक संख्या में पधारकर सफल बनाने में नगर परिषद का सहयोग करें।